इस बैच में जो मेजोरिटी बच्चे पढ़ रहे होंगे है ना, मेजोरिटी जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उसमें 80% बच्चे एवरेज होंगे है ना, 5-10% ही बहुत टॉपर होते हैं, फिर अजीब तरीके से पढ़ते हैं वो, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उनका नहीं, हम बात करते हैं उन बच्चों का जो 80% बच्चे वो एवरेज है बिल्कुल, और तभी वो आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर वो सुपर इंटेलिजेंट होते, पहले से पढ़े होते तो यहाँ पे क्लास में नहीं आते, क्लास में सिर्फ वही बच्चे आ रहे हैं जो एवरेज स्टूडेंट है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको टाइम लग रहा है, आप लेक्चर को पॉज करके देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास से दिक्कत है तो आप समझिए टीचर ज्यादा जानता है आपसे, टीचर का बहुत बार हो चुका है ये है ना, और हर बार हजारों बच्चे सेलेक्ट करा चुके हैं, तो हमें पता है कितना पढ़ाना जरूरी है और कब पढ़ाना जरूरी है। आपका पहली बार है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो क्लासेस बंद नहीं होंगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। कब तक आप एवरेज रहेंगे? आज एवरेज थे तभी आप यहाँ पे हैं, अब एवरेज नहीं होते तो आप यहाँ पे नहीं होते। आप सुपर टैलेंटेड होते, बहुत मेहनत कर लिया होते तो आप यहाँ पे नहीं होते। एक रीजन है जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं, उस रीजन को, उस दाग को आपको मिटाना है, आपको एवरेज के टैग से ऊपर उठना है। हाँ, 80% लोग एवरेज हैं, 90% लोग इनफैक्ट एवरेज हैं, 90% से ज्यादा लोग एवरेज हैं, लेकिन उन्हीं एवरेज में से जो अपने कंफर्ट जोन को पुश करके बाहर निकलेगा, मेहनत करेगा, वही आगे निकल पाएगा। सिंपल सी बात है। मतलब ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है ना कि आप एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पूरा एकदम टाइम टेबल से हिलेंगे नहीं, इतने बजे ये करना, इतने बजे ये करना। अबे यार, इतना तो दिमाग नहीं रखे, पागल हो जाएगा, कितने बजे क्या करना है, फिर कंसेप्ट कैसे करेगा। और दूसरी बात, टीचर के साथ आप एक घंटे पढ़े और एक घंटे अकेले पढ़े, फिजिक्स किसमें ज्यादा आती है, टीचर के साथ में फिर पढ़ना। किसी दिन संडे को क्लास हो उस दिन का एफिशिएंसी, और किसी दिन ना हो उस दिन का एफिशिएंसी, तो खुद कंपेयर करके देख लेना। और एवरेज का टैग तुम्हें हटाना है, इसके लिए मेहनत करके तुम्हें फाइट करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी औकात से ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। नहीं हो रहा है तो बाकी संडे को 2 घंटे कम सो, जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है, आराम करने का दिन नहीं है संडे, और दुगनी मेहनत से काम करने का दिन है। और रिवीजन सिर्फ संडे को नहीं होता, रोज होता है, रोज करिए। एक कह रहा था कि सर आप तो बताते हो बैकलॉग हो जाए ना तो धीरे धीरे कवर करना, तो सर आपका 2 दिन का बैकलॉग हो गया था तो धीरे धीरे करो ना। अभी धीरे धीरे करूंगा, अगले साल पेपर थोड़ी ना देना है, 2 साल बाद थोड़ी ना देना है, 25 में क्लियर करना कि 28 में करना है। अभी धीरे धीरे करता है, दुनिया करती है, हम गदर मचाते हैं, हम तूफान मचाते हैं, वो लोग नहीं है। और इसमें सकोगे तो सिलेक्शन होगा। और सिंपल सी बात है, कंटेंट मैं नहीं पाऊंगा तो तुम्हें क्या लगता है, ऑफलाइन में बेवकूफ लोग हैं, बहुत पढ़ाते हैं। मैं भी और कोटा में था तो देखा है, बहुत पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं, बहुत खींच के पढ़ाते हैं। कभी जाना ऑफलाइन में, इतने पैसे देके भी ना, 1.5-2 लाख देके भी कंटेंट नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा। जितनी क्लास पढ़ाने में एफर्ट्स नहीं लगती है, उतनी क्लास को शेड्यूल कराने में एफर्ट्स लगती है। इतने अलग अलग तरह के वैरायटी के बच्चे बैठे हैं इस क्लासरूम में, क्लास होगी। और ये लास्ट टाइम है, इस बार मैंने डिसाइड किया ये लास्ट टाइम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं बहुत पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा जितना मैंने पिछले साल भी नहीं पढ़ाया होगा। लेवल आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा, इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा कि मतलब बच्चे भी तो छोड़ो, कोई टीचर भी देखेगा तो उसकी सूख जाएगी, कितना पागल आदमी है, कितना पढ़ाता है। पिछले संडे को 5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्डेड दिया था ना, आज 2 घंटे पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा, परसों पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी दूंगा, सुखा दूंगा एकदम। अब यहां से 2 रास्ता है, रुक नहीं तो निकल, और मुझे 1% दिक्कत नहीं है तो यहां से चला जाएगा। बड़े लास्ट बार है जब मैं समझा रहा हूं, सीधा वार्निंग दे रहा हूं मैं, नहीं सकेगा। और सक गया ना, अगर गलती से भी सक गया ना, सिलेक्शन तो देख भगवान के हाथ में, वो दिन है, तेरी मेहनत है, बहुत सारी चीजें पर डिपेंड करता है, लेकिन सक गया ना, अगर तू रुक गया ना भाई, तो जो है ना वो नहीं रहेगा, तू बदल जाएगा। और चैलेंज देता हूं, आज तक जितना नहीं पढ़ाया मैंने, उससे भी मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा। और मैं अगर ज्यादा पढ़ा दिया, पूरे इंडिया में किसी भी कोचिंग क्लास में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कहीं भी इससे ज्यादा कंटेंट मिल जाए, उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। और हर दिन तेरे सिलेक्शन के लिए तेरे से ज्यादा मेहनत करता हुआ मैं दिखाई दूंगा, क्योंकि है पढ़ने वाले भाव बच्चे तो पर। और आज डिसाइड कर ले, बनती है बात तो रुक, नहीं तो छोड़ दे। मैं कह रहा हूं नहीं होगा तेरे से, मैं कह रहा हूं तू एवरेज है, एवरेज ही रह जाएगा जीवन भर। अगर उस एवरेज के टैग को हटाना है, कर मेहनत, नहीं तो छोड़ दे। क्योंकि अब मैं तुम्हें समझाने में समय खराब नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हर बच्चे का फ्रीक्वेंसी सबके साथ मैच नहीं करता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, ठीक है, अब मैं सिर्फ अपनी सुनूंगा, ठीक है, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं, हटेंगे तो लेक्चर नंबर